अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो अपनी शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी पेंटिंग है। ये तकरीबन 3 फुट और लंबा और 2 फुट चौड़ा कैनवस है मेरा, और इस कैनवस पे मैंने पेंटिंग बनाया एक्रेलिक कलर्स से। तो इसमें जो जब मैंने जब ये मेरे आप लोगों को ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब ये मार्केट में गया, जब मैंने मार्केट में इसको पेश किया सेल करने के लिए, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि ये जो आपका कैनवस है, ये कैनवस आपने जो बनाया है ये बहुत अच्छा काम है आपका, और इसके आपको बहुत अच्छी प्राइस मिल सकती है अगर आप इसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करें। मतलब ये कि ये जो इसकी साइड्स हैं, ये जो इसकी साइड्स हैं, और इसको आप, मैं आप लोगों को इस तरह से शो करती हूँ ये। तो इसको अगर मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती हूँ, मतलब इसको मैं फ्रेम करवा लूँ इसके, उन्होंने मुझे बोला इसके पीछे, मतलब मार्केट में ये मैं उनको कैसे समझाऊँ कि ये ऐसे भी लोग ले लेते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा इसको एक्सपेंसिव करके पेश करूँ। काम बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि इसको इसकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी चेंजेस होनी चाहिए। तो जैसा भी मार्केट में बोला जाता है हम लोगों को वैसा ही प्रेजेंट करना पड़ता है अपनी चीज़ को। तो मैं अब इसको इसके अंदर ये चेंजेस करूँगी कि इसको मैं फ्रेम करवाऊँगी, और फ्रेम करवाने के बाद फिर मैं इसको देखूँगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेम करवाने के बाद ये कैसा होता है, फ्रेम की क्या क्या कॉस्ट है और क्या क्या रेट्स हैं, किस किस रेट में फ्रेम्स बनते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारे सिटी में देखिए, हमारे सिटी एबटाबाद में ये किस किस रेट में फ्रेम्स होती हैं, क्या कॉस्ट होती हैं। देखिए एबटाबाद और लाहौर, कराची और दूसरी सिटीज़ में काफ़ी फ़र्क है। एबटाबाद, इस्लामाबाद में चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। आपको कोई भी काम करवाना हो, इधर इंडस्ट्रियल एरिया इतना नहीं है और ना इतना ज़्यादा मार्केट का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा चीज़ इधर नहीं बना के लाते, तो कम बन के आती है। जो आती है वो बड़ी मुश्किल से सेल होती है इधर हमारे सिटी में। और मुझे नहीं पता इंडिया में, और जो लोग मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं मोस्टली वही इस चीज़ को समझ सकेंगे जिनको ये मेरी लैंग्वेज आती है। तो इंडिया में और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर भी इधर से हैं। तो ये लोग जो है, मुझे नहीं पता उनके रेट्स क्या हैं या उनका तरीका कार क्या होगा ऑनलाइन सेलिंग का, या क्या अभी मैंने ऑनलाइन, अभी मैं इनिशियल स्टेज पे हूँ, मेरा आर्टवर्क सेलिंग में इनिशियल स्टेज पे है। तो जो जब मार्केट में जाता है तो आपको काम जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहिए होता है। आपको आप वहाँ जाके आपको आपकी कमी बेशी नज़र आती है, आपको रिजेक्शन नज़र आती है, आपको अप्स एंड डाउन्स उधर पता चलते हैं अपने आर्ट वर्क के, जिस वक्त आपका काम मार्केट में जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इधर, उन्होंने मुझे बोला है कि इसको इसके इर्द गिर्द इस एरिया में, इसको यहाँ से इसके पीछे बैक में इस, क्योंकि ये मेरी बैक है ये देखिए। तो उन्होंने बोला है क्योंकि मैंने थोड़ा लोअर क्वालिटी का कैनवस लिया है, क्योंकि अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे इससे कोई भी इनकम नहीं है मेरी इससे, तो और फैमिली की तरफ से भी अभी इतना सपोर्ट नहीं मुझे किया गया, क्योंकि यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आर्ट वर्क से कुछ अर्न किया जा सकता है। तो मैं आप अब मैं मुझे वो जिस तरह हो मार्केट में मुझे बोला गया, मैं उसी तरह उसको फ्रेम करा के चेक करूँगी कि क्या क्या कॉस्ट आती है, और आया
सिंगल जो इसका ओपन ये जो पैनल बना होता है, इसमें लोग इसको ख़रीदना पसंद करते हैं, फ्रेम्स के साथ ख़रीदना पसंद करते हैं। मार्केट में मुझे बताया गया है कि आप इसको उसी तरह से लाएं और जिस तरह हम आपको चाहते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी करके लाएं, ताकि ये पैनल जो बना हुआ है इससे इसके इर्द गिर्द अगर फ्रेम हो जाएगी तो ये बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अब मैं देखते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मेरा इसका फ्रेम करवाने के बाद क्या रिज़ल्ट आया है। तो नेक्स्ट जब मेरा नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, या नेक्स्ट वीडियोस में से एक वीडियो मेरा ये होगा कि मैं इसको फ्रेम करके मार्केट में सेल करेंगे हम इसको, और फिर देखेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है और इसकी कॉस्ट का क्या डिफरेंस आता है। आई होप कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसमें 1000 से 2000 तक हट जाता है बनाने में। तो उस तरह 5 और 6000 तो ज़रूर लग जाएंगे इसकी कॉस्ट इस कैनवास को बनाने में। 3 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा कैनवास जो होता है, जो मोस्टली आपको दीवार पे बेड के पीछे या अपने ड्राइंग रूम्स में या अपनी गैलरीज में जो लोग इसको सजाना चाहते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कौन कहाँ पे इसको यूज़ करता है, लेकिन हमारा काम है इसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना। तो मैं इंशाल्लाह इसको फ्रेम करवा के नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को फ्रेम करवाने के बाद बनवा के बताऊंगी कि इसका फ्रेम करवाने के बाद क्या रिज़ल्ट आया है। तो फिर देखते हैं, चलिए आप लोग मेरे जिन लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे, मेरे अब तक तकरीबन 70 से ज़्यादा चैलेंजेस में कर चुकी हूँ, तो जिन लोगों को 80 तक, तो जिन लोगों को मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे वीडियोस को देखें, और इंशाल्लाह आप लोगों को उसमें से अच्छा काम मिलेगा और एंजॉय करें मेरे वीडियो को। और जिन लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगे, जिन लोगों को मेरा काम अच्छा लगे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस वीडियो ये जो अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इसका ट्यूटोरियल पूरा और इसका बनाने का तरीका भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो अलग से शेयर करूँगी। और ये जो इसके बनने के बाद जो मार्केट में इसकी वैल्यू बनी है, या इसको जो किस तरीके से इसको सेल किया जाएगा, तो वो वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी मुझे इसका ऑर्डर मिला है कि मैं इसको फ्रेम करवाऊँ, इसको इसकी प्रेजेंटेशन चेंज करूँ, तो मैं चेंज करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।